बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम शब कद्र के हवाले से बात करने वाले हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम लैलतुल कद्र को कैसे तलाश करेंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जो मालूमात शेयर करने वाले हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत और बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये अशरा जहन्नम की आग से आज़ादी, इतकाफ़ जैसी अजीम इबादत के साथ साथ इसी अशरे की ताक रातों में एक रात शबे कदर या लैलतुल कदर होती है। शबे कदर या लैलतुल कदर बड़ी बाबरकत, फजीलत और अहमियत वाली रात है। इस रात के फ्यूज़ो बरकात कसरत से हदीसों में आए हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक सूरत नाजल फरमाई और इस सूरत में इस रात की अहमियत और फजीलत को बयान फरमाया है। इस सूरत का नाम सूरतुल कदर है। शबे कदर का मतलब है कि वो रात जिसकी अल्लाह के नज़दीक कदर व मंजलत हो। अक्सर लोग पूछते हैं कदर का मानी और कदर का मतलब क्या है। तो नाजरीन, हम आपको कदर का मानी और कदर का मतलब भी बता दें। कदर के एक मानी अजमत और शराफत के हैं, और सबसे ज़्यादा ख़ास और शुक्र अदा करने का मुकाम यह है कि सिर्फ इसी उम्मत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शबे कदर मिली है। शबे कदर जैसी अजीमुल शान और अनवारो बरकात वाली रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र के नतीजे में सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को मिली है। शबे कदर अल्लाह की जानब से बड़ा एहसान है। शबे कदर अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुबहाना ताला ने मेरी उम्मत को शबे कदर अता फरमाई और इससे पहले किसी की उम्मत को ये अता नहीं फरमाई। अब आपको बता दें कि शबे कदर की अलामतें क्या होती हैं और शबे कदर की अहम तरीन फजीलतें क्या हैं। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। शबे कदर बहुत ज़्यादा मुबारक रात है, अरशाद बारी ताला है, हमने इस कुरान को शबे कदर में नाजिल किया। और तुम क्या जानो शबे कदर क्या है? शबे कदर हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब की अज़म से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलोए फजर तक। तो नाजरीन, हमारी खुश नसीबी क्या हो सकती है कि अगर हम इस माह मुबारक में शबे कदर को तलाश कर लें, इस कदर में इबादत करें, अल्लाह ताला से मगफरत तलब करें, दुआएँ मांगें, यही हमारी खुशकिस्मती हो सकती है। और अगर हम इस रात को तलाश करने के बाद अल्लाह ताला से मगफरत तलब कर लेंगे, दुआएं मांग लेंगे, तो यकीन जमानिए हमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता। ये भी खुश नसीबी है कि रमज़ान मुबारक हमें इस साल भी नसीब हुआ है। अब आपको बता देते हैं कि शब कदर की फजीलतें क्या हैं। पहली फजीलत तो यह है कि अल्लाह ताला ने इस शब में कुरान करीम नाजिल फरमाया है जो इंसान के लिए हदायत है और दुनियावी और आखिरी सादत है। दूसरी फजीलत यह है कि इस सूरत में इस रात की तज़ीम और बंदों पर अल्लाह के एहसानात को बताने के लिए सवालिया अंदाज अख्तियार किया गया है। तीसरी फजीलत यह है कि यह रात हज़ार महीनों से बेहतर है। अब तसव्वुर कीजिए कि हज़ार महीने एक तरफ और एक रात एक तरफ, हज़ार महीनों से बेहतर रात है शबे कदर। चौथी फजीलत यह है कि इस रात में फरिश्तों का नज़ूल होता है। फरिश्ते खैर व बरकत और रहमत के साथ नज़ूल करते हैं। पांचवी फजीलत यह है कि यह रात सलामती वाली रात है, क्योंकि इस रात में बंदों की अजाब और अकाब से खलासी होती है। छठी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने इस शब से मुतल्लक पूरी सूरत नाजल फरमाई है जो रोज़े क़यामत तक पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक हमने कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम डराने वाले थे और ये रात माह रमज़ान में थी, जिसकी तसरीह अल्लाह ताला ने सूरत बकरा की आयत नंबर 58 में फरमा दी है। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजल किया गया। नाजरीन, अल्लाह ताला का इरशाद भी आपको बता दिया है। अब आपको बताते हैं कि शब कदर के मानी क्या हैं और शब कदर की अलामत क्या हैं। अगर कोई शख्स शब कदर को तलाश करना चाहे तो जो ताक रातों में इबादत करता है वो चाहता है कि शबे कदर को तलाश कर लें, तो इसके लिए हम चंद अलामात भी इस वीडियो में बता देते हैं। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो अलामात बताई हैं वो भी बता देते हैं कि शबे कदर के मानी इज्जत, अजमत और शराफत के हैं, और शबे कदर हर रमज़ान में होती है।
बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है, तो इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में सवाल किया गया और मैं सुन रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हर रमज़ान में होती है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रमज़ान के आखिरी अशरा में है, वो किसी ताक रात में होती है, 21वीं रात, 25वीं रात या 27वीं रात या 29वीं रात या फिर रमज़ान की आखिरी रात में। जिसने ईमान और इखलास के साथ इस रात क़याम किया, इसके सबका गुनाहों की मगफरत कर दी जाएगी और इसकी अलामात में से ये है कि रात इंतहाई राहत बख्श, साफ पुरसकून और ख़ामोश होती है, ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, इसमें चांद रोशन होता है। इस रात में सुबह तक किसी सितारे के टूटने की इजाज़त नहीं होती और इसकी अलामात में से ये भी है कि इसकी सुबह को सूरज तलू होता है और इसकी शुआएं नहीं होती और वो बिल्कुल बराबर होता है, गोया का वह 14वीं रात का चांद है और अल्लाह ताला ने शैतान पर हराम करार दिया इस दिन वो इसके साथ निकले। तो ये अलामतें हैं शब्बे कदर की। शब्बे कदर हर रमज़ान में होती है और रमज़ान की ताक रातों में होती है। अगर आप इस रात क्याम करेंगे तो बहुत से फ़वाद, फ़जाइल और बहुत सी नेकियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं शब्बे कदर की अलामतें, शब्बे कदर की, लैलतुल कदर की अहम फजीलतें और इसकी बरकतें। अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि लैलतुल कदर को कैसे तलाश किया जाए। इन लोगों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जिन अहबाब के पास खुद से भी कोई मालूमात हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि हम भी और इस वीडियो को बाकी देखने वाले भी इन कमेंट्स को पढ़कर मुस्तफीद हो सकें, अपनी मालूमात में इजाफा कर सकें। शब कदर वो नेमत है जिसकी इबादत 1000 महीना की इबादत से अफजल है। अल्लाह ताला इस शब कदर के बारे में फरमाता है, यकीनन हमने इसे शब कदर में नाजिल फरमाया, तुझे क्या मालूम कि शब कदर क्या है, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या फरमाया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो महीना तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सादत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। नीज फरमाया, शब्बे कदर की सादत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम किया जाता है। तो ये कीमती रात आपके पास आ रही है, तो इससे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हासिल कर सकते हैं। हम आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुके हैं, नाजरीन याद रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हम सब को ये रात नसीब फरमाए और हम सब की बख्शिश फरमाए। आमीन। शुक्रिया।